Hey everyone, welcome वेलकम टू YouTube यूट्यूब चैनल टुडे आई with बैक विद and न्यू एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो चूंकि है नाउन आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन बेसिकली इस वीडियो में आप अगर अपने बच्चे कोई नाउन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो या फिर आप नाउन सिखाना चाहते हो ताकि बच्चा कभी नाउन को भूले ना सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सो डैट स्टार्ट इट नाउन्स Or naming words. Everything around us has a name. So, nouns are the name of person, places, animals, or things. सबसे पहले आपको बच्चे को नाउन की डेफिनेशन बतानी है कि हम अपने आसपास बहुत सारे हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी जगह होती है एनिमल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उन्हीं के जो नेम होते हैं उसे ही नाउन कहते हैं आप बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे लाइक पर्सन आप बच्चे का नाम पूछ सकते हो उसे बच्चा अच्छे से समझ पाएगा और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी वर्कशीट आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी हेल्प हाँ से बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से नाउन सीख जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पर कुछ पिक्चर्स पेस्ट की है जिससे बच्चा और अच्छे से समझ पाए लाइक पर्सन देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड ऑल ऑफ देम हैव नेम्स लाइक बॉय नर्स पायलट टीचर और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को बता सकते हो आप बच्चे को बस बताना है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और उनका कुछ ना कुछ नाम होता है उसी को हम उन्हीं के नेम्स को हम नाउंस कहते हैं आप इस तरह से भी बता सकते हो आप बच्चे के साथ अपना रिलेशन कर सकते हो अगर आप एक मदर हो तो आप बता सकते हो आप मुझे क्या कहते हो मम्मा कहते हो तो अंकल आंट पापा सब क्या है नाउन है नेक्स्ट है प्लेसेस सम प्लेसेस अराउंड अस आर टेम्पल हॉस्पिटल स्कूल पोस्ट ऑफिस आप सेम आपने इसी तरह से बताना है कि हमारे आसपास बहुत सारी जगहें होती है जहाँ भी आप जाते हो आप बच्चे को लेके जाते हो आप टेम्पल जाते हो हॉस्पिटल स्कूल पोस्ट ऑफिस दिल्ली शिमला तो वो क्या है नाउन है नेक्स्ट एनिमल ऑल एनिमल्स ऑल्सो हैव नेम लाइक गुड हैं रैबिट parrot, animals से तो बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं बच्चों को पता होता है एनिमल्स के बारे में तो बस आपने वही बताना है कि हमारे आसपास जो भी एनिमल्स होते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं और बस आपको ये बताना है कि एनिमल्स में सिर्फ आपको वाइल्ड एनिमल पैट एनिमल्स नहीं बाकी जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं इंसेक्ट होते हैं वो सब क्या है एनिमल्स में ही हैं और जो भी उनके नेम होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं नेक्स्ट इज़ थिंग्स तो बस आपको बच्चे को बस यही बताना है आप जो भी चीज़ें देखते हो अपने आसपास वो सब क्या है थिंग्स है और उनके कुछ ना कुछ नेम्स होते है। हैं लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं काइट कैटल ब्रश कंप्यूटर तो सब क्या है नाउन है और भी आप बहुत तरह से बच्चे को एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता सकते हो लाइक आप अपने हाथ में पेंसिल पकड़ के या पेन पकड़ के कलर पकड़ के आप बता सकते हो ये क्या है एक थिंग है और इसका नाम क्या है पेंसिल है रबर है तो वो क्या है इसका नाउन है अब बच्चा क्या है नाउन अच्छे से समझ चुका है तो अब आप क्या कर सकते हो बच्चों को कुछ वर्कशीट के थ्रू और अच्छे से समझा सकते हो और उनका टेस्ट ले सकते हो कि बच्चे को समझ आया या नहीं आया इसी तरह से मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं फर्स्ट वर्कशीट है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट नाउन तो फर्स्ट एक बच्चे की पिक्चर है तो आपको देखना है ये पर्सन है प्लेस है एनिमल्स है और थिंग्स है नेक्स्ट एलिफेंट है एलिफेंट क्या होता है एक एनिमल होता है वैसे नेक्स्ट इज़ एक हाउस की मैंने पिक्चर पेस्ट की है तो हाउस क्या है पर्सन है एनिमल है प्लेस है या थिंग है तो हाउस क्या है एक जगह का जगह है तो हम प्लेस में टिक करेंगे वैसे ही एक लैपटॉप है तो लैपटॉप क्या है पर्सन है एनिमल है प्लेस है या थिंग है तो क्या है थिंग है तो हम थिंग में टिक करेंगे अगर अगर बच्चे अच्छे से वर्कशीट को कर लेंगे तो उन्हें समझ आ चुका है नेक्स्ट अगर आप पिक्चर पेस्ट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो और बहुत ही ईजीली ये वर्कशीट बन जाएगी इसमें क्या करना है बच्चे को मैच करना है जैसे मैंने यहाँ पर गर्ल और एक बॉय की पिक्चर बनाई है वो पर्सन है बॉयल थिंग है हाउस क्या है एक प्लेस है फिश एक एनिमल है अम्ब्रेला थिंग ट्री थिंग कैट एनिमल कप ऑल्सो थिंक एंड हॉस्पिटल जो कि एक प्लेस है तो ये वर्कशीट भी बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत बच्चे मजे से बच्चे करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द नाउन वर्ड इन टू द करेक्ट कैटेगरी तो अब ये भी एक वर्कशीट है जिसमें बच्चे को आप टेस्ट ले सकते हो लाइक पर्सन है तो बच्चे को पर्सन ढूंढना है उसमें लाइन चेयर बुक हाउस बॉय पिग स्कूल एंड डॉक्टर तो क्या है बॉय क्या है पर्सन है और डॉक्टर पर्सन है तो इस वर्कशीट के हाथ से बच्चा बहुत ही अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि बच्चा समझ चुका है नेक्स्ट थिंग है तो इनमें से थिंग क्या है चेयर है और बुक है बच्चे अच्छे से कैटेगराइज कर पाएंगे थिंग्स पर्सन प्लेस और एनिमल के बीच में वैसे ही नेक्स्ट प्लेस है तो प्लेस कौन सी जगह है लाइक लायन और पिग प्लेस नहीं है स्कूल और हाउस क्या है प्लेसेस है तो बस बच्चे को राइट करना है चूज करके स्कूल और हाउस और लास्ट है एनिमल्स सो एनिमल्स में क्या है अब दो ही बच गए हैं लायन और पिंक और बच्चा क्या कर देगा वहाँ पे करेक्टली उनको जो प्लैक्स है उनमें फिल कर लेगा तो ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट है जिसे बच्चा बहुत मज़े से करेगा कर और बच्चे को समझ भी आ जाएगी अच्छे से नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है जिसमें आइडेंटिफाई द नाउन एंड सर्कल इट इससे मैंने बहुत सारे नाउन्स वर्ब प्रोनाउन राइट किए हैं बच्चे को बस क्या करना है जो जो नाउन है उन्हें सर्कल करना है जैसे फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है ट्रेन कॉल और डांस तो ट्रेन क्या है एक नाउन है कॉल और डांस नाउन नहीं है ही, शी और रीता तो बच्चे को बस नाउन आइडेंटिफाई करने हैं और सर्कल करने हैं लाइक डॉग डॉग क्या है नाउन है रीड और नहीं है और बुक भी नाउन है चेयर आप इस तरह से भी पूछ सकते हो कि कौन सा है चेयर क्या है एक थिंग है काउ क्या है एनिमल है माई आर है बॉल एक थिंग है और मदर एक पर्सन है स्माइल नाउन नहीं है अंकल पर्सन है और सिट एक वर्ब है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है और आज की हमारी लास्ट वर्कशीट है आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अगर बच्चा अच्छे से समझ चुका है नाउन को तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से ये वर्कशीट कर पाएगा फर्स्ट सेंटेंस है द काओ लिव्स इन अ शेड तो इस सेंटेंस में दो नाउन है काओ और शेड नेक्स्ट है माई बैग इज ऑन द टेबल इस सेंटेंस में भी दो नाउन है हेन इज सेवन ईयर्स ओल्ड इसमें एक ही नाउन है द ड्रेस हैज प्रिटी फ्लार्स ड्रेस और फ्लार्स इस सेंटेंस में दो नाउंस हैं राम इज फ्लाइंग अ काइट इस सेंटेंस में भी दो नाउन है राम और काइट राम पर्सन है और काइट थिंक है आई लाइक टू ईट चॉकलेट चॉकलेट क्या है थिंक है माई मदर इज अ टीचर यहाँ भी दो नाउन है मदर और टीचर If you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel.